चैनल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने बालों को किस तरीके से सॉफ्ट, सिल्की और स्मूथ बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके बाल कर्ली हैं या फिर अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा झड़ते हैं, आपके बालों में डैंड्रफ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा टूटते हैं, आपके बालों की जड़ें मजबूत नहीं है, आपके बालों की ग्रोथ भी तेजी से नहीं बढ़ती, तो आज के इस नुस्खे से ये सभी प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर होने वाली है। आप इस वीडियो को एक एंड तक जरूर देखिएगा। और इस नुस्खे को बनाना भी बहुत ही ज्यादा इजी है, इजीली आप बनाकर इसको रेडी कर सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपकी लाइक में ही हमें हमारी मेहनत का फल मिलता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से आकर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और पास ही बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारी फिर से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके, आप उसका सबसे पहले फायदा उठा सके। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्लीन बाउल ले लीजिए, और यहाँ पर हम सबसे पहले ऐड करेंगे एक शैम्पू। मैं यहाँ पे क्लिनिक प्लस शैम्पू का यूज कर रही हूँ, आप यहाँ पे कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक शैम्पू के पाउच को इसके अंदर निकाल लेना है। तो हम यहाँ पे शैम्पू को निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे शैम्पू को इसके अंदर ऐड कर दिया है, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने बालों के हिसाब से दही, यानी कि कर्ड। फ्रेंड्स, दही आपके बालों को सॉफ्ट बनाती है, और ये आपके बालों को सिल्की भी बनाती है, आपके बालों में से डैंड्रफ को दूर करती है, तथा ये आपके बालों में से रूसी की समस्या भी दूर करती है, और साथ ही आपके बालों की जड़ों को भी मजबूत बनाती है, और बालों की ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाने में मदद करती है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे अपने बालों के हिसाब से दही इसके अंदर ऐड करनी है। आप अपने बालों के हिसाब से यहाँ पे दही यूज कीजिए। तो मैं यहाँ पे तीन से चार चम्मच दही इसके अंदर ऐड करूंगी। तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और तीसरी चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी, यानी कि शुगर पाउडर। फ्रेंड्स, चीनी आपके बालों की ग्रोथ को 4 गुना तेजी से बढ़ाने में मदद करती है, साथ ही ये दो मुड़े बालों की परेशानी को भी दूर करती है, और आपके बालों को एक सिल्की स्मूथ एंड शाइनिंग बनाती है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे 1 चम्मच पिसी हुई चीनी इसके अंदर ऐड करनी है, और अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि आपके बालों के लिए एक मैजिकल रेडी हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए, आपको बनने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। हमारा नुस्खा बनकर बिल्कुल रेडी है, और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे अपने बालों में किस तरीके से अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, आप इसको नहाते वक्त यूज कीजिए। जब आप नहाने जाएं, तब आप इसको अपने फिंगर की सहायता से लीजिए, और अपने बालों की स्कैल्प यानी कि जड़ों में इसको अच्छे से अप्लाई कीजिए। अच्छे से आप अपने बालों के स्कैल्प में अप्लाई करने के बाद अपने बालों की स्कैल्प में मसाज कीजिए 5 मिनट तक अच्छे से, क्योंकि मसाज करने से आपके बालों की जड़ों के अंदर तक जाएगा, और आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाएगा, और उससे आपकी बालों की ग्रोथ भी तेजी से बढ़ेगी। तो आप अच्छे से 5 मिनट तक मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आप इसको अपने पूरे बालों में अप्लाई कर लीजिए, और जब आप अपने पूरे बालों में इसको अप्लाई कर लें, तब आप अपने हेयर को वॉश कर लीजिए नॉर्मल वाटर से। उसके बाद जब आप नहाकर निकलेंगे, तब आप इसका रिजल्ट देख के हैरान हो जाएंगे। आपके बाल कुछ ही देर में सॉफ्ट, सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे। एक ही बार के इस्तेमाल से बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही कारगर नुस्खा है, 100% रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। आप इसको पीस ट्राई जरूर कीजिएगा। तो आपको इस तरीके से इसे अपने बालों में अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है आपके बालों के लिए। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। 1 हफ्ते में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इसका मिलेगा, और आपको इसे वीक में 3 से 4 बार यूज करना है। आप इसको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 वीक के लिए, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये थी हमारी आज की रेमेडी। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इसके रिजल्ट किस तरीके का मिला। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और पास ही बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके और आप उसका सबसे पहले फायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।